सादा अक्सरियत मिली तो वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं सादा अक्सरियत ना मिली तो वजारत उज़्मा से मुतालिक फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से होगा। ये भी बता दिया कि हुकूमत मिली तो फौरी तौर पर एक और IMF प्रोग्राम में जाना होगा, मईशत के लिए इस्तेकामत दिखाना और मुश्किल फैसले करना होंगे। मेरा कैंडिडेट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है बतौर प्राइम मिनिस्टर। सिंपल मेजोरिटी होती है और अल्लाह ताला हमें ये मौका देता है तो हमारे कैंडिडेट जो हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। स्प्लिट मैंडेट होता है तो अपना कोलिशन बनती है तो मियां साहब का क्या हाल होगा। थोड़ा सा लतीफ अंदाज में बात होनी चाहिए। वो कहते हैं कि अपना सिंपल मेजोरिटी और स्प्लिट मैंडेट खान पीन पाग भरी तो तौन बढ़ा में जुम्मा। अल्लाह ताला हमें मौका देता है, हमें फिल फॉर एक और प्रोग्राम में जाना होगा, इस्तेकामत दिखानी होगी और हमें बड़े फैसले करने होंगे।